चला चला कैसे मतलब गर्म किया जाता है। त्रिकुट पहाड़ मुझे दिख रहा है रियल में ये गया और कुछ इस तरीके का फल निकला है। मैं मुझे बंद करना होगा क्या। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप लोग हेल्दी होंगे। तो गाइस फाइनली आज काफी दिनों के बाद मैं जा रहा हूँ त्रिकुट पहाड़ घूमने के लिए, जो कि झारखंड में है। 30 किलोमीटर के मतलब अप्रोक्स है यहाँ से त्रिकुट पहाड़। मैं काफी छोटा था तभी गया था, मतलब मैं 10 साल का जब था ना त्रिकुट पहाड़ तभी गया था। तो चलो चलते हैं। नोनी हाट से अप्रोक्स 25 किलोमीटर दूर एक हसडिया नाम का जगह है, जहाँ पे सबसे प्रसिद्ध मिठाई सोन पापड़ी है। यहाँ का सोन पापड़ी खाओगे तो रियल में आप फैन हो जाओगे। आप देख सकते हो कि मेरे पीछे कितना सारा सोन पापड़ी का दुकान है, मतलब इस लेन में आप देख लोगे ना सिर्फ और सिर्फ सोन पापड़ी का दुकान ही मिलेगा आपको। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कितने तरीके का वैरायटी वाला सोन पापड़ी मिलता है। आप देख सकते हो कि वो सोन पापड़ी का दुकान वहाँ से स्टार्ट होता है और पूरा यहाँ से लेकर के पूरा एंड तक यहाँ तक आपको बस और बस सोन पापड़ी का दुकान यहाँ पे हसडिया में देखने को मिल जाएगा। और इतना टेस्टी टेस्टी सोन पापड़ी मिलता है। तो अभी हम लोग इस वाले दुकान में रुके हैं सोन पापड़ी लेने के लिए। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे किस तरीके से सोन पापड़ी तैयार होता है। फुल प्रोसेस देखो इसको, मतलब चला चला के इसे मतलब गर्म किया जाता है। फिर उसको इस चीनी को जो डाल दिया जाता है, फिर इसको सेफ बाय सेफ बना करके वहाँ पे देखो रख दिया जाता है। तो गाइज यहाँ से त्रिकुट पहाड़ मात्र 3 या 4 किलोमीटर के अप्रोक्स होगा, मुझे यहाँ से दिख रहा है। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा पेड़ पौधा के पास रुक गए थे, धूप वगैरह थोड़ा लग रहा था तो सोचे थोड़ा सा पेड़ के नीचे आराम कर लेते हैं गमछा वगैरह बिछा करके। तो आप देखो यहाँ से त्रिकुट पहाड़ मुझे दिख रहा है रियल में यार, काफी ज्यादा मतलब ऐसे यहाँ से लग रहा है इतना बड़ा। पास जाऊंगा तो पता नहीं सोचे कितना बड़ा होगा। गाइस ये जो आप फल देख रहे हो इसे कुआ कहते हैं, इसे अभी छील करके ये देंगे खाने के लिए। अंदर एक होता है खाने वाला फल, तो इसे देखो किस तरीके से अभी छील करके हमें खाने के लिए देंगे। देखो ये पूरा ये ताड़ के पेड़ में फटता है ये कुआ। गाइस फाइनली त्रिकुट पहाड़ हम आ चुके हैं और रियल में यार इतना ज्यादा मजा आ रहा है ना। पीछे का व्यू देख के मैं आपको बता नहीं सकता इतना ज्यादा ब्यूटीफुल है रियली में यार, ऑसम। पर एक दिल में खौफ भी है, वो खौफ मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी बता दूंगा तो मजा नहीं आएगा। व्लॉग को देखो फिर उसका एंजॉय करो, फिर बाद में बताऊंगा इस खौफ के बारे में। गाइस ये रहा त्रिकुट पहाड़ का व्यू, रियल में यार काफी ज्यादा ऑसम है। और ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे मतलब इसको देख करके आपको लग रहा होगा कि मतलब किसी ना किसी इंसान का मुंह का शेप बना हुआ या किसी चीज़ का, इधर से आपको नहीं पता चलेगा, मैं दूसरे एंगल से आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। और ये देखो ये है मेन चोटी, इसके ऊपर ये रोप चलता है। देख रहे हो ये रोप अभी बंद हुआ हुआ है, इसका कुछ कांड वगैरह हो गया था, मैं बताऊँगा अभी। तो गाइस त्रिकुट पहाड़ के ऊपर का मंदिर कुछ इस तरीके का है, देख सकते हो आप, ये चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है ऊपर देख लो। और ये बंदर से बहन तंग आ चुका हूँ मैं। तो गाइस आप जो ये गुफा देख रहे हो ये हनुमान जी का गुफा है, और ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी इस गुफा में आकर के विश्राम किए थे। मैं इस गुफा को दिखा देता हूँ आपको, देख लो ये रहा पूरा गुफा का अंदर का व्यू। यहाँ पे काली माता का मूर्ति है या हनुमान जी का मूर्ति है, तो ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी इसी गुफा में आकर के विश्राम किए थे। गाइस यहाँ पे पहाड़ी बंदर काफ़ी ज़्यादा है यार, अगर आप केयरफुल नहीं रहोगे तो मतलब आपका फ़ोन वगैरह या फिर कोई पर्सनल चीज़ लेकर के भाग भी सकता है। और तो अगर आप कभी भी आते हो यहाँ पे तो एक डंडा वगैरह स्टिक वगैरह कैरी कर सकते हो। गाइस इधर से जाने का और ऊपर रास्ता है, और मुझे यार फ़ोन को लेकर काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है, ऐसा लगा कहीं फ़ोन वोन लेकर के ना भाग जाए। देख लो इधर से, देखो इधर भी बैठा हुआ है, देख लो इधर तो पूरा फौज है भाई। तो गाइस इधर का आप कुछ व्यू देखो, बाप रे बाप बंदर, मैं मुझे बंद करना होगा क्या। तो गाइस इधर का कुछ आप व्यू देख सकते हो कितना ज़्यादा खतरनाक है, चारों तरफ छोटे छोटे रॉक्स हैं और ऊपर ये बैठे हुए हैं हनुमान जी, तो इनसे हमेशा आप केयरफुल रहे मैं बार बार बता रहा हूँ। और ये देखो ये मतलब इसका शेप बताइए किस तरीके से लग रहा है। हाँ देख लो दोस्तों,
चारों तरफ पहाड़ी पहाड़। गाइस ये त्रिकुट आश्रम है। जूता पहन के आप आए नहीं ना? हम क्या तुम भी नहीं आए? तो गाइस देखो यार इधर का रास्ता कितना ज्यादा डेंजरस है। देखो ये रहा रोप। चल चल अभी हम लोग 500 फीट की ऊंचाई पर है, बिल्कुल पहाड़ों के बीच, एकदम बिल्कुल वाइल्ड लाइफ वाला जिंदगी जी रहे हैं, बिल्कुल मुसाफिर तू भटका भटका वही वाला है। ओके भाई पत्थर ये तो बहुत स्लीपी स्लीपी पत्थर है। तो गाइस एक दिक्कत हो गया था, मतलब त्रिकुट आश्रम है उसके अंदर वीडियो बनाने नहीं दिया गया, क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ था कि वीडियो नहीं बना सकते। और वैसे अंदर मतलब ऋषियों का मतलब तस्वीर वगैरह था। तो फटाफट नीचे उतर जाता हूँ, फिर आपको उस मतलब रोपवे के बारे में बताऊँगा क्या सीन हुआ था, ठीक है फटाफट। और दूसरी बात क्या यहाँ पे मालूम है, एक सबसे खतरनाक चीज़ है कि जो बंदर है ना आपके एक फ़ोन पे ही नज़र लगाए रहेंगे। देखो मुझे देख देख के चलना पड़ रहा है, जहाँ आपने नज़र भटकाया फ़ोन छीन छान के लेके भाग जाएंगे। तो अभी मैं इसको अभी यहाँ पे थोड़ा बंद करता हूँ, क्योंकि बैटरी भी मेरा फ़ोन का ख़त्म हो रहा है। A few moments later. रोपवे का क्या सीन हुआ था? दरअसल देखो 3 साल तक मतलब कोरोना का केस चल रहा था, आप सभी लोग जानते हैं। जब ये कोरोना केस ख़त्म हुआ था तो जब इस जगह को ऑन किया गया था, मतलब इस रोपवे को, तो इसका मतलब सर्विस वगैरह नहीं किया गया था। और बिना सर्विस किए ही नीचे से ऊपर टूरिस्ट वगैरह को करने लगे थे, तो जिसके कारण उस पर लोड आने के कारण, अब आपको पता है 4 साल या 3 साल के अप्रोक्स अगर बंद रहे कोई भी चीज़, जो चीज़ अगर मतलब चल रहा हो और उस पर अगर कोई सर्विस ना दिया, अचानक उसे फिर स्टार्ट कर दिया जाए, तो उसे मतलब कुछ भी टेक्निकल इशू आ सकता है, क्योंकि लाइफ का सवाल है। तो मतलब एक बार तो उसे रीचेक तो करना बनता है। और आप देख सकते हो देखो कितनी ऊंचाई पर ही है, देखो इतनी ऊंचाई पर है। तो भाई मतलब कम से कम एक तो सेफ्टी बनता है ना कि आप इसको रीचेक कर लो रोपवे को। 87 लोग ऊपर मतलब फंसे रहे थे रोपवे में, तो कम से कम 2 या 3 लोगों का शायद ऊपर से गिर करके मौत हो गया था, और भी जितने लोग थे उनको रेस्क्यू टीम ने बचा लिया था। तो जिसके कारण यहाँ के सरकार, झारखंड सरकार ने इस जगह को मतलब ये जो रोपवे है इसे अभी बंद कर दिया गया है। तो ये हुआ था सीन।